हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्राची और आज मैं आई हूं भारतीय संविधान के स्रोत पार्ट टू लेकर। ठीक है, एक लेक्चर हमारा इस टॉपिक पे हो चुका था, आज हम सेकंड सेकंड लेक्चर इसका देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने यदि पुरानी क्लास देखी है तो इसको लिंक करते हुए पढ़िए, याद करते हुए पढ़िए। नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो क्लास देखिए, क्योंकि आधी चीज़ें, आधे से ज़्यादा चीज़ें उस क्लास में कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जहाँ से हमने पुराना छोड़ा था उसके आगे हम देखेंगे, पुरानी चीज़ हम लास्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि भारतीय संविधान में आंतरिक एवं बाह्य स्रोत दोनों स्रोतों से चीज़ें ली गई हैं। आंतरिक स्रोत से क्या मतलब है? ब्रिटिश शासन के दौरान जो एक्ट और अधिनियम लाए गए थे उनका प्रयोग किया गया था। और बाहरी स्रोतों से क्या मतलब है? बाहरी स्रोतों से मतलब कि हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है, ये आप समझ लीजिए मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से भी, कि भारतीय संविधान की हमारे ये विशेषता है कि हमने पुरानी चीज़ें तो ली हैं लेकिन जो दूसरे देशों की बेस्ट चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हमको लगी हैं, अच्छे प्रावधान लगे हैं, उसको हमने अपने संविधान में मेंशन किया है। तो उसको हमने एज इट इज़ नहीं उठाया है, उसमें कुछ परिवर्तन करके अपने हिसाब से चीज़ें ऐड करके उसको भारतीय संविधान में रखा गया है। ठीक है, तो आज लास्ट क्लास में हम कैनेडा तक देख चुके थे, आज हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीज़ें ली हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में लिया गया है। तो देखिए, इसमें आपको पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट पढ़ना समझना जरूरी है, इस पॉइंट से क्वेश्चन इतना नहीं बनता। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, पहली बात तो देखिए, जब हम भाग और अनुसूचियां पढ़ेंगे आगे की क्लास में तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। तो ये तीन तरह की सूचियां होती हैं। क्या होती है? एक तो एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो संघ और राज्य सूची को तो हम पहले ही संविधान में समाहित कर चुके थे। किस में? भारतीय जो हमने 1935 का अधिनियम देखा था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो देखा था, उसके द्वारा हम संघ और राज्य सूची को पहले ही संविधान में समाहित कर चुके थे। तो अब समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसमें दोनों, मतलब केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की स्वतंत्रता होती है, वो विषय कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? वो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे जब हम अनुसूचियाँ देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है संसद के दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक। अब देखिए, संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे तीन क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। देखिए, सबसे पहली बात है संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो याद कर लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल नंबर 108 के तहत आता है। ठीक है, मतलब कि संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए कि यदि कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग पारित नहीं हो पाता, मतलब कि अलग अलग नहीं पारित हो पा रहा है, सहमति नहीं बन पा रही है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, मतलब कि संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है? दोनों सदन एक ही जगह बैठते हैं। ये अथॉरिटी किसके पास होती है संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की? राष्ट्रपति के पास होती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है, कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाते तो राष्ट्रपति जी हैं लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो हमेशा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन हमेशा राष्ट्रपति बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन उनकी अध्यक्षता हमेशा हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो अब देखिए, ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं। तो समवर्ती सूची पहले तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, दूसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है?
पहला क्वेश्चन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, दूसरा क्वेश्चन कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, और तीसरा कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यदि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला रहे हैं तो अध्यक्षता भी वही करेंगे। नहीं, अध्यक्षता कौन करते हैं, हमेशा अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम जर्मनी। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही आपको जर्मनी शब्द दिखेगा आपको हिटलर याद आना चाहिए। ठीक है, हिटलर कौन थे, एक तानाशाह शासक थे। ठीक है, तो देखिए वहां से क्या चीज ली गई, आपातकाल। ठीक है, वित्तीय को छोड़कर, मतलब कि जो इसमें आपातकाल कैसे लागू होगा, क्या लागू होगा, इससे ज्यादा चीजें ये ली गई थी कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाएगा। आपातकाल जब लागू होता है तो कुछ मूल अधिकार क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। ये जब हम आगे क्लास में ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, आपातकाल क्या होता है ये सब, तब हम इसको डीप में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये वाली जो व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है जर्मनी से। तो जर्मनी से क्या ली गई है, आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन ली गई है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अगला है सोवियत संघ रूस। इसको मैं लास्ट में बताने वाली थी लेकिन इसको अभी समझ लीजिए कि देखिए सोवियत संघ रूस क्या है, इससे हमने अपने पूरे मूल कर्तव्य लिए हैं। ठीक है, इससे हमने अपने क्या लिए हैं, मूल कर्तव्य लिए हैं, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया है। अब देखिए, मूल मौलिक कर्तव्य हमारे कितने होते हैं, मौलिक कर्तव्य हमारे 11 होते हैं। ठीक है, और मूल अधिकार हमारे कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि कर्तव्य कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कितनी, 11 होती हैं, और फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे पास अधिकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि मूल कर्तव्य 11 होते हैं और मौलिक अधिकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको क्यों बोल रही थी कि मैं इसको लास्ट में लेने वाली थी, क्योंकि देखिए बाकी जो देशों से सारी चीजें ली गई हैं वो तो स्टार्टिंग में जब संविधान बन रहा था तभी चीजें लेके संविधान में ऐड कर दी गई थी, लेकिन सोवियत संघ रूस से जो चीजें ली गई हैं ये हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ी गई हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है और याद भी कर लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो क्लियर है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस से लिया गया था और मूल कर्तव्य कितने होते हैं, 11 होते हैं, और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। क्लियर है। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं फ्रांस की। ठीक है, अब जैसे ही हम फ्रांस की बात करते हैं तो यदि आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि जब मतलब जैसे ही फ्रांस आएगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब वहाँ पे 3 वर्ड ज़्यादा यूज़ किए गए थे, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो ज़्यादा यूज़ किए गए थे, कौन से, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आगे चलकर यही नारे लोकतंत्र के निर्माण में बहुत योगदान दिया था उन्होंने। ठीक है, तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, अगली चीज क्या ली गई है, गणतंत्रात्मक प्रणाली व्यवस्था। तो जो गणतंत्र शब्द है वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी फ्रांस से लिया गया है। अब गणतंत्र होता क्या है, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि ऐसी व्यवस्था जो कि वंशानुगत नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि संविधान के अनुसार जो भी पद सर्वोच्च होंगे, ठीक है, उनमें वंशानुगति नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पिता बहुत अच्छी पोस्ट में हैं तो उनके बेटे को वही पोस्ट दे दी जाएगी, नहीं। यहाँ पर गणतंत्र शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत चीजों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर योग्यता के आधार पर चीजें दी जाने लगी, तो इसलिए यहाँ पे गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया, ये फ्रांस से लिया गया। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर जो चीज, जो व्यवस्था वंशानुगत नहीं होती है, वो चीज क्या होती है, गणतंत्र होती है। क्लियर है। अगली चीज हम देखते हैं, अगला देखिए दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से 2 चीजें ली गई हैं, एक संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ठीक है,
और दूसरा क्या लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये पहला वाला है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। इसमें एक चीज़ और याद कर लीजिए कि जो संविधान संशोधन की विशेषता है या प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 368 में आती है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमको क्या याद करना है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 368 में आता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है, ये जापान से ली गई है, कहाँ से ली गई है, ये जापान से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी संविधान के लिए कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, यहाँ पे वो चीज़ें खत्म होती हैं। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ से और हमने कहाँ से पढ़ी हैं, ठीक है। तो देखिए, संविधान के स्रोत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो जगह से लिए गए हैं, एक बाह्य स्रोत हैं और दूसरे आंतरिक स्रोत हैं, ठीक है। तो बाह्य स्रोत क्या है, आंतरिक स्रोत क्या है, अभी मैंने उसको रिपीट किया ही था। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, मतलब आर्टिकल नंबर हमारे टोटल कितने 395 में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसको इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला मैंने आपको बताया था ब्रिटेन, तो मैंने बताया था कि संसद से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो आप कहाँ से याद कर सकते हैं, ब्रिटेन से याद कर सकते हैं। द्विसदनात्मक, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, ये सब चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। और द्विसदनात्मक मतलब क्या होता है, एक दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तीसरा देखिए, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ये सब चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अब देखिए यहाँ पे कि मूल अधिकार हमारे कितने हैं, मैंने अभी आपको नीचे बताया था कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से ऐड किए गए हैं, रूस में, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार कितने हैं हमारे, मूल अधिकार हमारे 6 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड से मैंने आपको बताया था RRR याद कर लीजिए, ठीक है। एक आर से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरे आर से राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचन पद्धति, तीसरे आर से राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामांकन, क्लियर है। अगला देखिए, कनाडा से, कनाडा से कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी, कनाडा से बेसिकली ये लिया गया था कि केंद्र और राज्य के बीच में जो भी संबंध होते हैं उसको कनाडा से लिया गया था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आज हमने क्लास में पढ़ाई, तो टोटल कहाँ से चीज़ें ली गई थी, देखिए आंतरिक स्रोत में से 1935 से ली गई थी, ठीक है। ब्रिटिश से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से और सोवियत संघ रूस, फ्रांस, साउथ अफ्रीका से हमारे संविधान में चीज़ें ऐड की गई हैं। अब देखिए ये चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी लास्ट में कि जो हमारा संविधान है उसने बहुत सारी मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से चीज़ें ली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें सीधे एज इट इज़ कॉपी कर दी गई हैं, नहीं। देखिए, जिस दुनिया के जितने संविधान हैं वहाँ पर हमारे संविधान, हमारे लोगों को जो चीज़ें अच्छी लगी उसको अपने अपने हिसाब से अरेंज करके, अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने संविधान में उसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ये वाला टॉपिक भी आज खत्म हो जाता है कि भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। अगली क्लास में हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक उठाएंगे, तब तक इन चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए और लर्न कीजिए, और अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।